हाय फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है सरकारी जॉब खबर में। दोस्तों, आज आपके बीच लेकर आ गए हैं बिहार डीएलएड 2020 प्रवेश परीक्षा शुल्क वापसी संबंधित महत्वपूर्ण सूचना, जिसका सत्र 2020 से 22 है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया है। जो स्टूडेंट 2019 में डीएलएड का फॉर्म भरे हुए थे, उसके लिए निर्देश जारी किया गया है कि उसका एग्ज़ाम तो नहीं अभी तक हो पाया, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है निर्देश जारी किया गया है वो वापसी संबंधित। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि पैसे कैसे वापस मिलने वाला है, पैसे वापस लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, पैसे वापसी का डेट क्या रखा गया है। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा तथा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना, विज्ञापन संख्या PR 62/2021, डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 प्रशिक्षण सत्र 2020-22 के परीक्षा शुल्क की राशि वापस करने संबंधित जो है सूचना है। इसमें जो है कहता है कि एतद् द्वारा डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 से संबंधित सभी अभ्यर्थी, अभिभावक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि समिति द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या PR 317/2020 दिनांक 21/12/2020 के एतद् के द्वारा प्रशिक्षण सत्र 2020-22 में नामांकन हेतु आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 के आवेदन निष्प्रभावी हो जाने के कारण, आवेदन जो है रिजेक्ट हो जाने के कारण जो है संबंधित अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए परीक्षा शुल्क की राशि ऑनलाइन विधि से वापस उनके बैंक खाते में करने से के लिए समिति द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर अभ्यर्थी निम्न प्रकार की अपलोड करें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक पोर्टल तैयार किया गया है कि परीक्षा फी रिफंड संबंधित। तो चलिए देखते हैं, इस पोर्टल का नाम है biharboardonline.com। पर जाकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर डीएलएड ज्वाइंट एग्जाम 2020 पेमेंट रिफंड क्लिक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद निम्न स्टेप जो है आप भरेंगे, जिसमें आपको भरना है कि आवेदन संख्या, रोल नंबर, जन्म तिथि भर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, पूर्ण स्थायी पता, कैटेगरी कोटी जिसको कहते हैं, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, बैंक का नाम, खाता संख्या, वापसी कोड अपलोड करना है। इतना सारा अपलोड करना है, क्या क्या, अपना नाम अपलोड करना है, पिता का नाम अपलोड करना है, जन्म तिथि, अस्थाई पता, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, खाता संख्या, वापसी कोड तथा बैंक का नाम अपलोड करना है। ऑनलाइन भरे गए आवेदन के प्रति रजिस्ट्रेशन स्लिप अपलोड करना है। आप जो है को ऑनलाइन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला हुआ था वो अपलोड करना है। उसके बाद जो अभ्यर्थी के नाम का कैंसिल चेक बुक या पासबुक जो प्रथम पृष्ठ पठनीय स्क्रीन प्रति पीडीएफ के रूप में आपको, जिसमें आपका नाम, खाता संख्या और बैंक की मुहर हस्तांतरित अंकित हो, आपको जो है बैंक पासबुक का जो प्रथम पृष्ठ होता है, जैसे खुलता है पासबुक प्रथम पृष्ठ होता है जिसमें फोटो सब रहता है, मुहर सब रहता है, वो पृष्ठ आपको अपलोड करना है। यह अपलोड कब से कब तक करना है, 5/4/2021 से लेकर 11/4/2021 के बीच करना है, अपराह्न तक करना है। वेबसाइट पर ऑनलाइन के माध्यम से विवरण अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद जो है किसी भी माध्यम परीक्षा शुल्क वापसी हेतु दिए गए आवेदन परीक्षा आवेदन समिति द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी उक्त सभी विवरण सही से अपलोड करें, दोबारा उसके लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। अगर आपका भरने में कुछ गलती होता है तो उसके लिए आपको जो है दोबारा पोर्टल नहीं खोला जाएगा। सीधा सीधी बात है कि आप जो है सही से अपना बायोडाटा देंगे जो फॉर्म भरते समय दिए थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।